Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. दिल्ली वालों को झुलसाती गर्मी से राहत मिली है, वहीं उमस ने एक बार फिर लोगों को परेशान कर दिया है। दिल्ली में सोमवार से ही आसमान में बादल छाए रहने के कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में आज भी अगले 24 से 48 घंटे के दौरान बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। IMD ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आज के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आसमान में बादल छाए रहेंगे, इसके साथ ही 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। अगले कुछ दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की उम्मीद है। दिल्ली के अलावा मौसम विभाग ने गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश की आशंका जताई है। इन राज्यों के लिए IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में कुछ दिनों से बादलों की आवाजाही जारी है, इससे कई इलाकों में रोज बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग ने मॉनसून को लेकर अपडेट दिया है, जिसके आने के बाद दिल्ली में हर दिन बारिश हो सकती है, इससे गर्मी और उमस से राहत मिल सकती है। इसी क्रम में मौसम विभाग ने 1 जुलाई तक हर रोज हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। सप्ताह भर के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है और इस दौरान रात के तापमान में और दिन के तापमान में भी तेजी से कमी आएगी और ये 35 और 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार जताए जा रहे हैं। अगले 24 घंटे के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा और गुजरात के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। ओडिशा, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व और पूर्वी राजस्थान, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु और विदर्भ के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है।